सवाल है, जैन की इबारतों की अज्जाए जल्दी कीजिए। आपको कुछ इबारतें दी हुई है, दो रुकन दिए हुए है, आपको उनकी अज्जाए जल्दी करनी है। इससे पहले की मश में आपने सीखा है जाप्ता ए जमा बी, ए नफी बी बराबर है ए की हुवत दो नफी बी की हुवत दो, इसका इस्तेमाल करके आपने पिछली मश्क हल की है। अब इस मश्क में आपको सवाल में जो दो रुकन दिए हुए हैं वो ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर की सूरत में दिए हुए हैं, आपको ए जमा बी ए नफी बी की सूरत में लिखना है। तो चलिए किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ए पी है और बी क्यू है, यानी पी जमा क्यू पी नफी क्यू, इस तरह से। ये बहुत ही आसान था जिसमें इसकी इबारत इबारत की अज्जाए जल्दी लिख ली है, पी जमा क्यू पी नफी क्यू। तो चलिए अब दूसरे सवाल में सवाल दिया हुआ है चार एक्स की कुवत दो नफी पच्चीस वाई की कुवत दो, फिर उसी तरह आपको सवाल में जाप्ता लिखना है ए जमा बी ए नफी बी बराबर है ए की कुवत दो नफी बी की कुवत दो, इस सूरत में आपको सवाल दिया हुआ है, आपको ए जमा बी ए नफी बी की सूरत में लिखना है। तो इसकी जज़्र मुरब्बा निकालेंगे, चार का दो एक्स नफी बी यहाँ पर है पच्चीस, पच्चीस का जज़्र मुरब्बा पांच y और 2x नफी 5y। जब हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे दो दो ही चार x और x एस की कुवत दो नफी पांच मध्य 25 y की कुवत दो, यहाँ पर आपको आ जाएंगे। इस तरह से हमने ये मिसालें इबारतों की अज्जाए जल्दी देखी है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीन जो आपको दिया हुआ है वाई की कुवत दो नफी चार, फिर से फॉर्मूला जाप्ता लिखेंगे ए जमा बी ए नफी बी बराबर है ए की कुवत दो नफी बी की कुवत दो। तो चलिए यहाँ पर ए वाई है और बी चार है, तो चलिए ए की जगह पर वाई जमा चार की जगह पर हम दो लिखेंगे और वाई नफी दो। जब इसको सॉल्व करेंगे वाई और इसका वाई y की y का स्क्वायर जमा नफी नफी दो दो ही चार। अब देखेंगे सवाल नंबर चार जो है p की कुवत दो नफी एक बटे पच्चीस, तो चलिए फिर से साफ़ लिखते हैं a जमा b a नफी b बराबर है a की कुवत दो नफी b की कुवत दो। तो चलिए a जमा b यहाँ पर a p है और b एक बटे पच्चीस, चलिए p जमा एक बटे पच्चीस जिसे मिलकर पांच, पच्चीस के अंदर भी पांच पंजे पच्चीस है ना, पांच को पांच से दस करने पर, फिर उसी तरह ए नफी बी यानी पी नफी एक बटे पांच, इस तरह से इसकी इस इबारत के अंदर भी आई है पी जमा एक बटे पांच पी नफी एक बटे पांच। इस तरह से हमने मछली सवाल तिरपन का देखा है जिसमें इबारतों की अज्जाए भी हमने सीखी है। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर पांच, मिसाल नंबर पांच में आपको दिया हुआ है नौ एक्स की कुवत दो नफी एक बटे सोलह वाई की कुवत दो, पहले हम इसको ए जमा बी की सूरत में लिखेंगे, इसको पहले हल करना पड़ेगा नौ तीन जब तीन मिलकर नौ बना है तो तीन एक्स की कुवत दो नफी एक बटे चार चौक सोलह, तो यहाँ पर आ जाएगा चार वाई की कुवत दो। तो चलिए आपको जाप्ता पता है, जाप्ता है ए जमा बी ए नफी बी बराबर है ए की कुवत दो नफी बी की कुवत दो, तो अब हम ए जमा बी ए नफी बी की सूरत में इसे लिखेंगे। तो चलिए तीन एक्स यहाँ पर ए है तीन एक्स और बी है एक बटे चार, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे तीन एक्स जमा एक बटे चार वाई दूसरे ब्रैकेट में तीन एक्स नफी एक बटे चार वाई, इस तरह से हमें इस इबारत की अज्जाए जल्दी हासिल हुई है। अब देखते हैं अगला सवाल जिसमें आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स की कुवत दो, तो चलिए फिर से जाप्ता आपको पता है ए जमा बी ए नफी बी बराबर है ए की कुवत दो नफी बी की कुवत दो, यहाँ पर ए एक्स है और बी एक बटे एक्स, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स जमा एक बटे एक्स एक्स नफी
एक बटे एक्स। जब हम इस ब्रैकेट को इस कॉस को सॉल्व करेंगे तो एक्स और एक्स एक्स इक्वल दो, जमा नफी नफी एक बटे एक्स एक बटे एक्स एक्स और एक्स एक्स इक्वल दो, यानी एक बटे एक्स इक्वल दो हमें हासिल होगा। इस तरह से हमने देखा है मशहूर सवाल 53 में इबारतों की अब्जर्वेशन भी किस तरह से की जाती है।